ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलन। दोस्तों कई बार हम लोगों के साथ होता है, ऑनलाइन टिकट बुक करा लेते हैं लेकिन हमें उस डेट पे नहीं जाना होता है और उस डेट पे हमें फैमिली मेंबर में से कोई भी व्यक्ति जा सकता है, बट उस स्थिति में हम लोग करते क्या है, उस टिकट को कैंसिल कर लेते हैं, इसके बाद दूसरा टिकट हम बुक कर लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप चाहे तो उसी टिकट पे दूसरे व्यक्ति यानी कि अपने फैमिली के मेंबर में से कोई भी व्यक्ति ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ आप लोगों को ऑनलाइन यदि आपने टिकट बुक करा रखे हैं, सिर्फ आपको पैसेंजर का नाम चेंज करना होता है। तो आप लोग कैसे चेंज करा सकते हैं आज के वीडियो में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ऐसा होता है कि आपके परिवार के सदस्यों के रेल टिकट बुक कराया है और आखिरी वक्त में व्यक्ति किसी भी वजह से यात्रा की स्थिति में नहीं होता है। ऐसे में अगर आप उस व्यक्ति की जगह पर अपने परिवार के किसी और व्यक्ति को ले जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन टिकट में उसका नाम बदल सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह आपको ऑनलाइन रेल टिकट में किसी एक पैसेंजर की जगह पर दूसरा पैसेंजर नाम शामिल कर सकते हैं। इसके लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑनलाइन टिकट पर यात्रियों के नाम बदलने की सुविधा देती है। इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, ऑनलाइन टिकट में यात्री का नाम बदलने के लिए आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन काउंटर पर जाना होगा। यह आपको टिकट के प्रिंट आउट के साथ वैकल्पिक सदस्य के ओरिजिनल आईडी और उनका फोटो कॉपी देनी होगी काउंटर पर मौजूद कर्मचारी। इसके बाद आपको ऑनलाइन टिकट में पैसेंजर के नाम बदल देगा। IRCTC के मुताबिक आपको इसके लिए ट्रेन खुलने से 24 घंटे पहले रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होगा। अगर आपको किसी भी वजह से रेल यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने कंफर्म टिकट को अपने परिवार के अन्य सदस्य के माता पिता भाई बहन बेटी बेटा बेटी पति पत्नी के नाम पर ट्रांसफ़र करा सकते हैं। यात्री के नाम बदलने के अनुरोध करने के बाद रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर मौजूद कर्मचारी बुक किए गए टिकट पर रेल नियमों के हिसाब से यात्री का नाम बदल देता है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप की फोटो कॉपी के साथ ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी ले जाना होगा। तो इस तरह से आप लोग नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।